दोस्तों, जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं उन्हें ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में बस एक ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है कि कम प्राइस पे स्टॉक को खरीदो और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है उसे बेच के प्रॉफिट कमा लो। इसे हम शेयर मार्केट की भाषा में बोलते हैं गोइंग लॉन्ग। मतलब इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है यानी कम हो रहा है तब भी आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसे हम शॉर्टिंग या गोइंग शॉर्ट कहते हैं। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो शॉर्टिंग, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं, ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर किसी स्टॉक को पहले सेल कर देता है, बाद में उसे वापस बाई कर लेता है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। ये लॉन्ग पोजिशन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जिसमें इन्वेस्टर पहले खरीदता है और बाद में सेल करता है इस आशा में कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। देखिए, नॉर्मली लॉन्ग के केस में इन्वेस्टर की मेंटेलिटी होती है बाई लो सेल हाई, लेकिन इस केस में इसका उल्टा हो जाता है, सेल हाई एंड बाय लो। तो किसी स्टॉक को शॉर्टिंग करना गोइंग लॉन्ग से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दो इन्वेस्टर्स हैं, एक्स एंड वाई। दोनों ने एबीसी कॉर्प स्टॉक पे अपनी अपनी पोजीशन ली। एक्स ने लॉन्ग पोजीशन ली एंड वाई ने शॉर्ट पोजीशन ली। एबीसी कॉर्प के करंट स्टॉक का मार्केट प्राइस है ₹100। तो मान लेते हैं एक्स ने इस कंपनी के 10 स्टॉक को बाई किया, जिसमें वो ₹1000 इन्वेस्ट करेगा, और वाई ने इस कंपनी के 10 स्टॉक को सेल किया यानी शॉर्ट किया, जिसमें वो ₹1000 की इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा। नाउ फर्स्ट केस में मान लेते हैं एबीसी स्टॉक का प्राइस ₹5 से गिर जाता है और दोनों अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं। तो इससे इन्वेस्टर एक्स जब उसको 95 पे वापस सेल करेगा तो उसे ₹50 का लॉस हो जाएगा, और वाई ने क्योंकि शॉर्ट किया था तो जब वो उसको 95 पे वापस बाई करेगा तो उसे ₹50 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसने खरीदा 95 पे और बेचा था 100 में। इसी तरह से अगर इसका उल्टा होता है, मान लो एबीसी कॉर्प का प्राइस 105 हो जाता है, तो एक्स को तो ₹50 का प्रॉफिट हो जाएगा और वाई को ₹50 का लॉस, क्योंकि उसने शॉर्ट किया था यानी वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे नीचे जाएगा। अब मेन क्वेश्चन जो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि वाई स्टॉक को बिना खरीदे पहले ही कैसे सेल कर सकता है, मतलब वो तो इसका ओनर है नहीं। तो दोस्तों, आपको इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ ये कैसे होता है। तो ये जो हम शेयर शॉर्टिंग के लिए सेल करते हैं, ये हम ब्रोकर से बोरो करते हैं यानी उधार पे लेते हैं, और तभी उसे सेल कर पाते हैं। और सेल करने के बाद जब आप ट्रेड को पूरा करने के लिए जब आप उसे बाई बैक करते हैं, तब वो वापस से ब्रोकर के पास चला जाता है जिससे आपने वो उधार पे लिया था। अब जब आप रियल टाइम में ट्रेड करते हो तो ये सेलिंग एंड बाइंग नॉर्मल तरीके से होती है। शेयर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेकंड्स में जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो जाती है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि शॉर्ट सेलिंग थोड़े एडवांस ट्रेडर्स के लिए होती है, क्योंकि ये थोड़ी रिस्की हो सकती है। जैसे बाइंग के केस में आपके जो लॉसेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन शॉर्टिंग में आपके लॉसेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। इसको इस प्राइस वर्सेस प्रॉफिट के ग्राफ से समझते हैं। मान लो कि आप ₹100 में एक स्टॉक को बाई करते हो, अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही लॉस कर सकते हो जितना आपने पे किया है, इस केस में ₹100। और अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ेगा, और थ्योरेटिकली इसकी कोई लिमिट नहीं है कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम इस सेम केस में लॉन्ग की जगह शॉर्ट पोजीशन लेते हैं यानी शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो इसमें आपको प्रॉफिट तब होगा जब स्टॉक का प्राइस कम होगा यानी गिरेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, जितना उस स्टॉक की वैल्यू है, क्योंकि वो जीरो से नीचे तो जा नहीं सकता। लेकिन सेम अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है यानी बढ़ता है, तो आपको इस केस में लॉस होगा, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि स्टॉक का प्राइस कितना हाई जा सकता है। तो थ्योरेटिकली इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना लॉस कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, नो डाउट शॉर्ट सेलिंग एक इफेक्टिव वे है पैसे कमाने का जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि चाहे बाय ऑर्डर लें या शॉर्ट सेलिंग ऑर्डर लें, हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करें ताकि आपका रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।